राधे राधे हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के बज रहे हैं 11:30, और मैं अभी नहाई नहीं हूँ, बच्चे को स्कूल छोड़ के आई थी, उसके बाद से मैं अपने काम कर रही थी। और काम क्या कर रही थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो ये देखिए, तो मैंने ये ड्रेस तैयार की थी आज, रानी कलर की ड्रेस है फ्रिल वाली, और एक ड्रेस तैयार की थी मैंने ये पिंक कलर की, और एक ड्रेस और दिखाती हूँ मैं आपको। ये है युगल जी की ड्रेस है, ये देखिए, ये युगल जी की ड्रेस है, ये है देखिए साथ में। तो ये ड्रेस मैंने अभी रेडी की थी ना, ये इसकी ब्लाउजेस हैं, तो ये सब मैंने रेडी किया था अभी। तो मैं बस अपना काम कर रही थी और अभी मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो मेरी ना मेड से बात हो गई थी, तो मेड आई थी मिलने के लिए, मैंने उसको बुलाया था। एक्चुअली मैं बहुत परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं काम तो घर का कर लेती थी, लेकिन क्या है कि काम करने के बाद ना फिर मैं ये सारे काम नहीं कर पा रही थी अपना, मेकिंग वाला, ड्रेसिस का, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती थी, जिसकी वजह से मैं थक जाती थी और मैं काम नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से क्या है मेरा काम ना बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेड को वापस बुलाती हूँ, और मैंने नई मेड को सोचा था बुलाने के लिए, लेकिन नई मेड रखने के बाद ना मेरी हेडेक और ज़्यादा बढ़ जाती, कि नई मेड को ना काम समझाना पड़ता सारा, बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए। तो इसलिए मैंने फिर नई मेड को नहीं बुलाया, और मैं पुरानी मेड के साथ ही अपना काम कराने के लिए राजी हो गई। लेकिन मेड जब आई ना, तो उसने मतलब वही है ना, इन लोगों के भाव फिर बढ़ जाते हैं, तो उसने बोला कि दीदी मैं काम कर लूँगी, लेकिन अरे पैसे आप बढ़ा दो। तो मैंने उसको बोला भी था कि आप दिवाली से बढ़वा लेना, तो कहती नहीं दिवाली पे नहीं, आप भी बढ़ाओ। तो अभी पहले वो 1500 रुपये में थी, अभी वो 1800 रुपये में तैयार हुई है काम करने के लिए। बट इस टाइम मेरी मजबूरी यही है कि मैं सीजन के टाइम पर, मतलब मुझे ज़रूरत है काम की, तो मुझे मतलब लगाना ही पड़ेगा मेड को। और दूसरी बात, अब वो रेडी हो गई है, अब वो आएगी 12:30 बजे, वही अपना उसका फिक्स टाइम है, वो आएगी उसी टाइम पे काम करने के लिए। और अभी 11:30 बज रहे हैं, और अभी मैं बस ये सारा काम निपटा के अब मैं जाऊँगी नहाने धोने और अपना काम निपटाऊँगी सारा, बाकी का मतलब नहा धो के निपटूँगी, इतने में वो मेड डालेगी, और तब वो मेड आएगी, तब वो अपना काम करेगी, मैं फिर सनी को लेके आऊँगी स्कूल से, और उसके बाद में फिर मैं अपना काम करूँगी। तो आज की जो वीडियो है मेरी, मतलब मैं अभी ना काम करते करते ना क्या होता है, मैं स्टिचिंग का जब काम करती हूँ तो मैं अपनी किसी भी फेवरेट यूट्यूबर्स की ना वीडियोस लगा लेती हूँ। तो अभी ना मैंने एक वीडियोस लगाई थी, उसमें ना लाइव आई एकदम से मेरे सामने, वो थी एक यूट्यूबर हैं दीपक दिया खन्ना, उनके लिए उनकी लाइव थी मेरे सामने, तो मैंने वो लगा ली थी। तो उसमें मैंने देखा उनके साथ में इतनी ज़्यादा मारपीट की गई है, उनके मायके वालों ने बहुत ज़्यादा उनके साथ मारपीट की है, उनको धमकियां तक मिली हैं, और बीच सड़क पर रोड पे जाकर मार्केट में, तो ये सब चीज़ें हुई हैं उनके साथ में। और इन सब चीज़ों से ना मतलब मेरा ना मन एकदम से दुखी हो गया देख के, और उनको ना कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और मतलब उन्होंने लाइव ये सब चीज़ें बताई हैं, और उनकी जो लाइव थी वो मैंने शेयर की अपनी कम्युनिटी पे, आप लोग वो लाइव पूरी देख लेना, पूरी लाइव आप लोग देख सकते हो। उसमें उन्होंने शेयर की है वीडियो, किस हद तक उनके साथ में मारपीट की गई है, और उनको धमकी मिली है इस चीज़ के लिए कि मतलब उनको जान को भी उनकी खतरा है। तो इस तरह से उनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा देख के। और तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरे शहर से हो, जो दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स हैं वो मेरठ शहर से ही हैं, मेरे ही सिटी से हैं, और इस टाइम बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर आप लोग उनको जानते हैं और उनके फेवरेट हैं आप के वो, तो उनको प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपके फेवरेट नहीं भी हैं तब भी आप लोग एक बार जाके प्लीज़ उनको सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए वो अकेली हैं, एक विडो हैं, उनके मतलब हस्बैंड नहीं हैं उनके फैमिली में, वो अकेली हैं, उनकी एक छोटी सी बच्ची है, अगर उनको कुछ हो जाता है कल को, कोई भी बात होती है, तो उनकी फैमिली में उनकी बच्ची को संभालने वाला कोई नहीं है पीछे से, वो अकेली ही अपना बच्ची का खर्चा उठाती हैं, अपने आप ही अपना घर मैनेज करती हैं, सब कुछ करती हैं वो अकेले ही, है ना। उनकी जो मायके वाले हैं उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा गलत किया है उनके साथ में, उनको मतलब ये लगा लीजिए उनके साथ मारपीट की है, उनको बीच सड़क पर मारने की धमकी दी है,
और जो भी उनके साथ था उनके साथ भी बहुत ज़्यादा मारपीट की है, और वो सारी वीडियोस उन्होंने लाइव में शेयर की हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो वो क्लिप्स, तो आप लोग उस लाइव में जाके देखिएगा और उनको सपोर्ट कीजिएगा। मैं उनके शहर से हूँ, मैं उनकी सिटी से हूँ, तो मैं उनको सपोर्ट करती हूँ इस चीज़ के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी लाइव को देखें और उनको सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा जाकर, है ना। देखिए मैं तो वहाँ पर नहीं जा सकती उनके पास, लेकिन हाँ एक वीडियो छोटी सी क्लिप बनाकर आप लोगों के साथ शेयर जरूर कर सकती हूँ कि ताकि आप लोगों तक ये बात पहुँचे कि क्या हुआ है उनके साथ में। तो वो सारी चीज़ें आप लोग देखिएगा जाके और उनको सपोर्ट कीजिएगा। बस इतना सा बात मुझे बतानी थी और बस यही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड और मिलती हूँ एक छोटे से नए से ब्लॉग के साथ में। अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही। ये देखिए मेरे कमरे की हालत बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से।